तो अभी मैं आया हुआ हूँ हेमंत पांडे जी से मिलने। वो अभी अभी उठे हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं छत में उनका। तो मेरे साथ हैं अशोक भैया जो जिनके रिजॉर्ट में वो रुके हुए हैं, और सौरभ है, मोहित है, दिखाया नहीं, ये है मोहित, ये है सौरभ, ये अशोक भैया। यही हमारी मीटिंग करवा रहे हैं। तो चंपावत में आपको कभी भी कोई भी काम हो तो इनसे मिलने का, ये तुरंत करवा देंगे। तो यहाँ आते रहते हैं, बेसिकली पिथौरागढ़ से हैं वो, पहाड़ी हैं। अभी सुबह सुबह उठ के उन्होंने हमें टाइम दिया है, इसके बाद उनका आज शाम को इवेंट वगैरह भी है। हाँ भाई, हमारे लोकल अगर मूवी प्रमोट होंगी तो बड़ा मज़ा आया मुझे। तो पहली बार मैंने जो काफल खाया कल, क्योंकि टनकपुर से ऊपर आते हुए काफ़ी बच्चे बेच रहे थे और मैं भी, मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं उनसे ले कर खाऊँ, लेकिन क्योंकि यहाँ प्रोग्राम में आना था तो वो अपना जो इच्छा थी उसको दबा करके इधर लाया। तो उसका फल मुझे ये मिला कि सुबह सुबह मुझे काफल मिल गया। सर आप भी स्टार्ट करिए ना यूट्यूब, आजकल तो आपकी मेरे को पसंद ही नहीं है यार, ये आता ही नहीं मुझे। कोई अगर फैमिली में कोई हो तो उनसे स्टार्ट करें, क्योंकि जैसे आजकल तो हमसे तो गलत बटन दब जाता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और ये सत्य बात भी है, लेकिन हमारा स्वभाव उस वैसा नहीं है ना। तो जिस गांव जाना नहीं उस गांव का रास्ता क्या पूछना अपन, और हम इस अपने करियर को भी या उसको करियर की तरह नहीं लेते, अपना ईश्वर का प्रसाद समझ के एक्टिंग कर लेते हैं। जजमानी वाले काम से हैं, कह ले जजमान कोई कम डबल वालों को या डबल वाल, तो जिले काम मिल गया उसको ईश्वर का प्रसाद समझ के स्वीकार कर लिया। तो मैं इस फील्ड में रहते हुए भी इस फील्ड में किसी कंपटीशन में हुई नहीं, क्योंकि ये सत्यवाद भी है, क्योंकि हर आदमी का अपना भाग्य है, अपना भविष्य है, सब लेके आ रहा है। और जय मिलंच वो कैसे भी मिल जाता है। उसका उदाहरण बताऊँ मैं, 20-25 साल पहले प्रहलाद कक्कड़ बहुत बड़े एड मेकर हैं, तो मैं कहाँ बम्बई से पिथौरागढ़ आया था और उस टाइम में फोन वोन कुछ नहीं होते थे, पता नहीं जिसको खोजना होता है ना, उन्होंने पिथौरागढ़ मेरे पहुंचने से पहले मेरे पड़ोसियों के यहाँ फ़ोन आ चुका था, क्योंकि हमारे यहाँ फ़ोन भी नहीं था कि आओ एक एक्ट फिल्म की शूटिंग है। तुरंत फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मैं तो बहुत दूर हूँ, उनको पता था कि इतना दूर है बम्बई से पिथौरागढ़, और तब तो कितना लंबा अकल्पनीय जैसा लगता था। तो उन्होंने तुरंत टैक्सी पकड़ो, वो सफ़ेद एम्बेसडर चलती थी उन दिनों, उसके धन पानी भी उन्होंने दिया, अपने वो खाली बैठ के वापस आना उन्होंने। तो यानी कि जब आपकी ज़रूरत होती है, जब आपका भाग्य काम कर रहा होता है, तो फिर आपको जैसे आप हो वैसे ही रहो, कोई टेंशन नहीं, ईश्वर आपके साथ रहता है। जो रेडी वाला रोल था वो कैसे मिला था? मिला नहीं, अपने आप ही आ जाते थे वो, क्योंकि हाँ हाँ, क्योंकि मैं कहीं बैंकॉक या गोवा में शूटिंग कर रहा था एक पिक्चर, नाम नहीं आ रहा, बारात, चोरों की नहीं, चोरों की बारात, उस पर पिक्चर थी गोवा में। उसी दिन मैं रात को मुंबई आया, रात को ही बैंकॉक गया, दो दिन वहाँ शूट करके वापस आया। और चूँकि वो काम कर रहे थे तो डायरेक्टर साहब अनीस बजमी वो जानते थे, तो छोटा सा रोल है बहुत, बट उसका जो हाँ, वो उस रोल को करते हुए हमें खुद नहीं पता था कि यार ये क्यों हंस रहे हैं, इतना तो हंसा है लेकिन वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो आदमी के लिए वो लाइफ टाइम हो जाता है, क्योंकि जैसे कृष्ण लोग पहचानते तो रेडी को भी नहीं बोल पाते। और ऑफिस हाँ, ऑफिस तो हमने जो है एक पिलर की तरह दिया, क्योंकि बचपन से हमने स्टार्टिंग में वहीं से देखा था। सीरियल की भी नॉर्मल सीरियल की तरह हमको बुलावा आया, बोला ऐसा ऐसा रोल है, पियोन का रोल है। मैंने कहा हमारी किस्मत है चपरास वेलचर किया, लेकिन धीरे धीरे उसमें अलग अलग रोल मिलने लगे यार, क्योंकि हर एपिसोड में कैरेक्टर चेंज होता था और हमें खुद नहीं पता था कि ये सीरियल इतना पॉपुलर होने वाला है। तो वहाँ तो रेखा जी, फिल्म के स्टार सब बोलते हैं यार तुम लोग करते कैसे हो, और हम बच्चों की तरह पूरी फाइल लेके पांच पांच छः छः पेज का सीन याद करके उसको करते, और वो उस टाइम 3 कैमरा सेटअप था। अच्छा, बस हाँ, तो वो एक अलग अनुभव था। उसका ही ये है कि लंदन की सड़कों में भी घूमते हैं तो कोई बोलते और ये बाबा पांडे जी, तो पता लगा पाकिस्तान का है। मोदी जी भी पांडे जी के नाम से जानते हैं, तो ये कलाकार के लिए इससे ज्यादा चाहिए क्या। ये उस ऑफिस ऑफिस सीरियल की उपलब्धि रही यार। तो आपने कभी सोचा था फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा? सोचा था लेकिन बोल नहीं पाते थे, क्योंकि बोलते हर आदमी बोलता था चला मुरारी आज तो आज के बच्चे आप लोग इतना हाईटेक हो, आप हर पूरी दुनिया से जुड़े हो आप लोग, उस वक्त ऐसा था नहीं। और हमें तो जब दिल्ली गए तो पिथौरागढ़ से दिल्ली आना कल्चरल डिफरेंस, और हम इतने दबे कुचले वो थे, डरे हुए, कि हमें हर आदमी में अपना भविष्य दिखाई देता था।
कोई बोलता व्हाट इज योर नेम, तो हमको लगा वो जा यही चले तो वो एक एकदम रॉ सबसे निचले स्तर से उठ करके इस तरह की फिल्मों में काम करना, उसमें भी मेरा कोई हाथ नहीं, वो ईश्वर का ही आशीर्वाद है। रास्ते मिल गए, थपेड़े खाते रहे, अपमान झेलते रहे, अगर उस अपमान को तीर की तरह दिल में ले लेते, पहाड़ी आदमी की एक प्रॉब्लम होती है तो वो बुरा मान जाता जल्दी, तो वो नहीं माना हमने क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं थे। वहाँ से बंबई से या दिल्ली से घर आ नहीं सकते थे, पिथौरागढ़ आ नहीं सकते थे क्योंकि अभाव था, पिताजी पोस्टमैन थे और खूब सारा परिवार था तो आ नहीं सकते थे। तो वही चीज़ थी कि जिस आदमी के पास ऑप्शन नहीं है उसके सफल होने के ज़्यादा चांस हैं। मैं हर उस बच्चे को उत्तराखंड के बोलना चाहता हूँ कि अगर आप गरीब हो, अगर आप परेशान हो, अगर आपके पास पढ़ाई के लिए सुविधा नहीं हो पा रही है, तो आप भाग्यशाली हो, आपके पास सिर्फ सफल होने का ही रास्ता बचा। असफल तो आप हुई, अब आपके पास एक ही रास्ता बचा, उसके लिए धैर्य बनाओ, संयम बनाओ, निर्व्यसनी रह के आगे बढ़ो। छोटे स्तर से आदमी बड़ा बनता है, कहानी उसी की होती है। तो आप जिस स्थिति में भी हैं, आप ईश्वर का धन्यवाद देते हुए फिर आगे बढ़ो, तो धन्यवाद के बाद वहाँ से जो धन्यवाद का रिस्पॉन्स मिलता है ना ईश्वर के यहाँ से, वो आपको ऊर्जा देता है, खड़ंजे में फिर डामर होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ चंपावत में और आप कहीं घूमे जैसे गोलजू मंदिर वगैरह दर्शन? चंपावत में मैं बहुत घुमा हूँ। चंपावत तो मैं पहली बार आज से 25-30-35 साल पहले बरियात में आया था। हाँ, और पिथौर बचपन में तो बारात में जाना में मतलब एक आदमी नहीं हो तो हम तो सोचते थे ठीक है यार तुम हमको परिवार का मत मानो, दोस्त तो मानो, तो हम उस कैटेगरी में चले जाते चंपावत, क्योंकि अभी रॉ है, कच्चा है। अब ये फिर वही बात कि जो बुरा है वो अच्छे के लिए होता है। चंपावत का कोई विकास नहीं हुआ था, लेकिन अब ये पूरे उत्तराखंड का एक रोल मॉडल बन जाएगा। आप 5-10 साल के बीच में आप देखोगे जब यहाँ वो रोप वे बन जाए हिंगला देवी में, यहाँ टूरिज्म होगा, माल रोड बन जाए और लोगों में भी, क्योंकि आदमी तो यहाँ के लोगों को भी टूरिस्ट देखने की आदत नहीं ना, तो जब वो जो रिश्ता होगा बाहर के आदमी का और यहाँ के आदमी का, और उसमें लालच खत्म है जल क्योंकि लालच खत्म हो जाएगा तो उनकी उन तक टूरिस्टों तक वाइब्रेशन जाएगी, तो वो जो लिखेंगे या जो बोलेंगे वहाँ से और लोग आएंगे। चंपावत का भाग्य बदल गया, मतलब ये सोचो यहाँ के इष्ट देवताओं का आशीर्वाद कि धामी जी जैसे व्यक्ति को उन्होंने यहाँ भेज दिया, और उनका विजन आप जब थोड़ा सा पढ़ाई या शब्दों से जब आप ऊपर जाते हो तो फिर आप भाव समझने लगते हो, तो उस भाव के आधार पर हम कह सकते हैं जिस आदमी को मोदी जी इतना पसंद करते हैं, उन्होंने कुछ तो उनका स्कैनर इतना तेज है मोदी जी का, भाग जाते हैं, तो ये बड़े गर्व की बात है कि उन्होंने उनको यहाँ भेजा। अब हर आदमी में आप उन जो कम घर से, क्योंकि ये पर्यटक प्लेस बहुत बढ़िया बनने वाला है, जिसके 2 कमरे का भी घर है वो 1 कमरा अपना होम स्टे में लगा सकता है, और उसके लिए आप लोगों को यूथ लोगों को मेरी कोई आवश्यकता पड़े तो मैं तो निश्चित हूँ, क्योंकि इस धरती ने उत्तराखंड ने हमको इतना दिया है, मेरे जैसे आदमी को पूरी दुनिया में ऐसे पहचान दी है, जबकि करोड़ों रुपये आदमी पहचान में ही खर्च कर रहा है, जो आप बोल रहे हो ना कि सोशल मीडिया का है ये है वो, तो उसके लिए आदमी कितना पैसा खर्च करता है, और हमको बिना खर्च किए इतना सम्मान मिला है, तो हम तो इतने ऋणी हैं इस धरती के कि सोचा थोड़ी था हम तो। मैं जब निकला था गाँव से ना, वो बिटौला देने के लिए गया दिल्ली में, तो 12वीं के मेरे एग्जाम खत्म हुए थे, मैं मान चुका था अब नहीं आऊँगा, तो यह पिठा लगा रही थी मैंने अब नहीं, तो वो जो ताकत थी और वो जो तड़प या तकलीफ जो देखी थी ना, अभाव में प्रभाव होता भाई, जो अभाव था हमारे उसका गरीबी का, या जो जो एक परिवार का जो माहौल होता ना, उनकी भी मजबूरी है क्योंकि बच्चों को खिला पिला दो वही सबसे बड़ी बात है, उससे ज़्यादा पैसा ही हम उस वक्त बुरा हुआ सोच लेते हैं, लेकिन उसका अल्टीमेट जो आप धैर्य के साथ उसका आकलन करते हैं तो कुछ समय के बाद वो अच्छा ही होता। और बड़ा अच्छा लगा कि आप जैसे लोग यार यहाँ पे, आप कल शाम को आए थे एक राउंड यहाँ पे, तो मेरा घर वहीं पे हो, तो इत्तेफाक की बात है कि हमने आपको देख लिया, पहचान लिया, वहाँ जलेबी की दुकान में हमने आपके साथ फोटो खिंचाई थी, है ना, 2-3 दोस्त लोग भी थे वहाँ पे, टीचर लोग भी मिल गए थे पूरे, इतने एडवांस है ना वो जो ग्रुप मिला था वो फोटो का, तो किसी मेरे दूसरे जानने वाले ने वही फोटो मुझे भेजा, बोले बड़ा अच्छा लगा दादा आप यहाँ आए, इतनी छोटी सी दुनिया हो गई सेकंडों में। हाँ, आप लोगों के माध्यम से मैं चंपावत के हर युवा को, लड़का लड़की जो भी हैं भाई बहन, अब आप जितना बड़ा सोच सकते हो वो आपके लिए वो ये ग्राउंड बन गया।
और कुछ नहीं तो पर्यटन में तो आपका दो कमरे चार कमरे तीन कमरे जो ले जाओ उसको आप अपने रहने के अलावा सीजन में उसको वो उसमें लाओ, क्योंकि और इसके लिए एक हवा बनाने की देर है। एक बार अपन हवा बनाएंगे तो लोग बाग आएंगे, क्योंकि अनटच्ड जगह इतनी खूबसूरत। वो उधर हिंगला देवी अगर जाओ तो इस कान के पीछे से इस कान के पीछे तक का हिमालय देखता है। सेम सेम सामने क्रांतेश्वर मंदिर है, आपको अगर कभी मौका मिलेगा जाएंगे वहाँ। अगर आप अभी इसी बीच में अगर आपके पास समय हो तो वहाँ पे भी प्लान कर सकते हैं, भी आपको ज्वाइन कर। मैंने उधर से जो दृश्य देखा है मतलब पूरा कान हिलाना पड़ता है, इधर उधर का भी, उधर रामगढ़ वाले बेल्ट भी दिखाई दे रहा है और ये सामने सूर्योदय होता है। वैसा ही क्रांतेश्वर सेम यहाँ पे भी सेम है, उससे थोड़ा और हाइट पे है, यहाँ का और क्लियर दिखता है। शिव जी का क्रूम रूप कहते हैं ना, वो स्थापित है वहाँ पे जो हिस्टोरिकल, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे कुमाऊं की जो मेन बेस वर्ड है वो कुर्म है, वहाँ समय मिलेगा तो हाँ बिल्कुल जाइएगा, वहाँ पे बहुत अच्छे जाइए चलेंगे। आप लोग के लिए भी मैं सुझाव दे रहा हूँ कि जो आप कर रहे हो वो तो अच्छा ही कर रहे हो, क्योंकि सरकार ने भी कई चीज़ों में मदद की है, फिल्म राजभूत के लिए भी उन्होंने वो किया है, तो आप लोग रीजनल फिल्म में उसमें एक अमाउंट मिलता है, सब्सिडी है। अच्छा तो तुम बढ़िया कुमाऊनी पिक्चर प्लान कर लिख बेसिक कहानी, क्योंकि अच्छे पिक्चर का आधार अच्छी स्क्रिप्ट है। हम वो पढ़ रहे थे मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। हाँ। तो यहाँ पे ये चौड़ा गांव है, ये गौड़ी गांव है, मतलब हाँ। तो जिन जंगलों में हम जाते हैं उनके बारे में हमें ही नहीं पता था। हाँ। अंग्रेजों को पता है। हाँ। वो बुक में लिखा हुआ है, यहाँ के बोरा जी हैं जो जिम कॉर्बेट के वो थे जो उनका हथियार हथियार संभालते थे, तो यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले भी आए थे शायद, उसी बंदी की किताब में ये जिक्र है या दूसरी किताब में जिक्र है, वो उधर के उनका वो वाटरफॉल्स का डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाटरफॉल। हाँ हाँ वो जिम कॉर्बेट। हाँ, जिम कॉर्बेट की बुक में तो उन्होंने ही जो मैन ईटर ऑफ कुमाऊं थी वो बागनी थी जिसने 500 से ज्यादा शेर मारा, ये वाला एरिया है उनका, इंसानों को मारा था। और ये है कि जिम कॉर्बेट का अगर नाम लेते लोग रामनगर को जानते हैं नेशनल पार्क, लेकिन एक्चुअल में जो एक्टिविटीज हुई थी उसमें चंपावत का बहुत बड़ा रोल है। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं की बुक में बहुत ज्यादा मेंशन है, जो मैन ईटर थे उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में मारी है वो यही है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है 534 का, यही चंपावत में ही मारी। संपर्क करो, बैठेंगे जब कभी आएंगे जी, या मैं कहीं उत्तराखंड में तो आप लोग आ जाओगे जी, इस कहानी इस चीज़ को आगे बढ़ाओ, और इसको हिंदी कुमाऊनी दोनों को तो हिंदी में करने से क्या उसका व्यापक स्तर हो जाएगा, दुनिया भर के लोग देख सकते हैं, तो करो इसका एक नया बीज बो। और ये सत्यवाद है, कोई भी आदमी बीज बोता है ना तो बीज जब तक टूटता नहीं है तब तक अंकुर नहीं आता। बीज को वो बेनू है ना, केले दाल मसूरे की दाल ले बेनू, तो जब फटेल तब वो अंकुर वही यहाँ ले लागू सपन में। तो जब तक आप टूटोगे नहीं, आपके घर वाले आपके समाज वाले जब तक आपको बेइज्जत नहीं कर देंगे तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो तोड़ते हैं आपको, जब उन्होंने तोड़ा तो फिर आपका अंकुर टूटा। सबसे पहली बेइज्जती इन कामों में घर वालों से शुरू होती है कि कहाँ चला गया, क्या काम कर रहा है, तो वो चीज़ को आप बदले में मत लो, उसको अपमान को पी जाओ, वो ताकत बनेगा, है ना। अब यह याद गुरु वचन ज्ञान वचन बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को यार, आपने इतना समय नहीं नहीं हमें बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे यूथ जो है हाईटेक लोगों के बीच में मैं भी सुबह सुबह मिल रहा हूँ, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। आपने भी पहचान दिलाई उत्तराखंड को, हम भी कह सकते हैं आप हमारे यहाँ। हाँ मैं तो मतलब पहचान दिला रहा हूँ करके नहीं दिलाई। हाँ, अपना प्यार है। आप जाओ यहाँ माठ से मेरे गाँव माठ मेरे बम्बई में मंदिर में रहूँ और गमले में रहूँ, हम उसको पूछते हैं, हमारे लिए वही भगवान है, क्योंकि उस मिट्टी में हमने खेतों में काम किया है, वो घास ढोई है, घास कटाई में गए हैं, चाय देने गए हैं, उन खेतों का जो से जो जुड़ाव रहा है या उस हिमालय को रंग बदलते जो हमने देखा है, वही चीज़ हमारा बैंक बैलेंस है, वही हमारा आधार है। बाकी जो आर्थिक रूप से जो चीज़ आती है वो तो आएगी और जाएगी, टूट जाएगा। एक चीज़ कहते हैं ना कि जैसे पहाड़ का इंसान पहाड़ छोड़ सकता है मगर उसके अंदर से जो पहाड़ है वो नहीं जा सकता वापिस। हाँ मतलब एक चीज़ और बोलूँ मैं, जैसे पलायन को लेकर मैं बोलता हूँ, मुझे कल भी काफ़ी लोग मिले कि भाई पलायन जो है इसका मतलब ये नहीं कि लोग जा रहे हैं, तो पलायन अच्छे के लिए भी होता है, आप आगे नहीं गए होते आज तो पलायन भले के लिए होता है तो वो स्वीकार करना चाहिए। और दूसरी बात जो बेचारे पहाड़ के लोग हैं वो नहीं आ पाते हैं पहाड़,
साल में आते हैं, हम दो साल में जाते हैं, या फिर इष्ट देव तो खींच है, उसकी भी मजबूरियां हैं। कारण क्या है, कोई आदमी 1 लाख रुपए अभी महीना कमा रहा है ना, तो महानगर की जिंदगी में उसके लिए पूरा नहीं हो पाता। अब वो फिर घर आता है तो उसको, क्योंकि आया है पिछली बार वो सबका सपन का हाथ में 500-500 धर जा रहे हो, ये बाल भी 500 नहीं अलाउ नहीं आ, बजट आपका आना जाना परिवार के साथ बहुत खर्चा होता, इसलिए वो 2-3 साल एक बार में आते हैं, तो वो भी स्वीकार्य है क्योंकि उन वो मजबूरी है कि वो नहीं आ पाते, लेकिन उनका प्यार या उनका दिल तो रहता ही है। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग इस पर विचार करो, आपके पास क्या है ना, वो बीज जहाँ बोने वाले हो उसकी खेत तैयार है। जिम कॉर्बेट वाला जो सब्जेक्ट है, आपने बीज बोने, खेत तो तैयारी है, वो तो आप लोगों के पास सब मालूम है और गूगल से भी आप सर्च करो, और यहीं की बात है, कहीं और की बात भी नहीं है, तो आप करोगे तो वो सत्य आपके माध्यम से पूरी दुनिया तक जाएगा। तो ये बहुत फुल काम से तक कर, कहीं और भी मदद मिलेगी, लोग मिलेंगे, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई, नमस्कार।